हेलो प्यारे बच्चों, सारे सत श्रीकाल। वेलकम टू ऑल मेरे चैनल आई थिंक विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बच्चो पढ़ो सारे, वधो सारे। प्यारे बच्चो सारे दा की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हो? ओके। सो प्यारे बच्चो, मैं भी परमात्मा पासों तुहाडी चंगी सेहत की कामना करता हाँ। तुहाडे नाल बैठे तुहाडे माता पिता, छोटे वड्डे भैन भरा, उन्हों का स्वागत करता हाँ। और सत्कारित अध्यापक साथी जिन्हें भी ने, जिन्होंने वीडियो तुम्हें दिती है वेखन वास्ते, समझने वास्ते, पढ़न वास्ते, उन्हों का धन्यवाद करता है, बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। प्यारे बच्चे, गणित की इस वीडियो में थोड़ा स्वागत करता हुआ, आओ ये वीडियो अज की जी है शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के संख्यावां दा अभ्यास जिहड़ा सी, जो असी पिछली क्लास विच कीता, वह सारा अभ्यास असी बच्चों कर चुके हैं, जिहड़ा कि करीब करीब अद्धे घंटे की वीडियो सी पिछली, जिहदे विच मैं सारे तुहानूं सवाल जिहड़े सी वह डिस्कस कीते सी, तुहाडे नाल तुहानूं करवाए सी। सारियां संख्यावां हन अंकां विच, शब्दां विच, गिणतारी की मदद नाल दहाइयां सैकड़े जोड़ करने सारे सिखाए सी। सो अज असी इस तो अगे अपनी ये अभ्यास जी है शुरू करनी है। सारे बच्चों को पेंसिलां ते कॉपियां जरूर होनी चाहिए ने, ताकि बहुत जरूरी गल्लां तुसी नोट कर सको, क्योंकि अज सिर्फ दसन वाला काम है, अभ्यास अजे शुरू नहीं होनी, क्योंकि पहला समझाया जाएगा कि संख्यावां की ने। आओ फिर जल्दी नाल शुरू करते हैं। बच्चों संख्यावां दा साडी जिंदगी च बड़ा ही महत्व है, है ना। रोज़ाना जिंदगी दे विच असीं बहुत सारी संख्यावां ने जिन्हां दी वरतों करदे आं, पर सानूं पता भी नहीं लगता। जिवें साडे घर दे नंबर, कि मेरे घर दा नंबर 37 है। पिंडां दे विच घरां दे नंबर हुंदे आ पर सानूं पता नहीं, क्योंकि साडे नंबर लगे हुंदे आ, असीं नंबर प्लेट नहीं लवाउंदे। शहरां दे विच तां आम नंबरां तों ही घर लब्भे जा सकदे आ, उस तरहां घर नहीं लब्भे जा सकदे। एड्रैस दे नाल नंबर होए, गली नंबर होए तां लभ्या जा सकदा है। पिंडां विच अजे गल कुछ होर है, पर फिर भी नंबर अलॉटड ने। ग्राम पंचायतां जिहड़ियां ने, साडे सरपंच साहब जिहड़े ने, वो मैंबर साहिबानां दे थ्रू आपो अपने जिहड़ियां गलियां ने उहनां दे विच नंबर जिहड़े ने अलॉट करदे ने। सो इस तरह मेरे कहिण दा भाव सी बच्चिओ कि नंबर जिहड़े ने उहनां दा बड़ा महत्व है। जिवें मेरा 37 नंबर घर है, ठीक है ना, और दूसरा बच्चा कह रहा है कि मेरा 225 नंबर घर है। इस तरह ही स्कूल विच, साडे स्कूल विच 103 बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि साडे स्कूल 44 बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साडे स्कूल विच 340 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह ही बेटा इन्हां संख्यावां नूं लिखण लई असीं अंकां दी वरतों करते हैं। तो अंक किहड़े हुंदे ने? अंक ते संख्यावां विच कोई फर्क नहीं है, अंकां तों मिल के संख्यावां बणदियां ने, ते जिहड़ियां संख्यावां ने वो अंकां दा ही समेल हुंदियां ने। कहण दा भाव, जिहड़ी गिणती है 1, 2, 3 तों लैके 100 तक, 1000 तक, लख तक, ये सारी संख्यावां ने, ते 1 तों लैके 9 तक अंक ने, जिन्हां दे वख वख मिश्रण नाल वख वख संख्यावां बनदियां ने। जिवें 1 ते 2 मिल जाण तां 12 बन जाते हैं, इस तरह 9 ते 7 जुड़ जाण 97 बन जाते हैं, 9, 9, 9 जुड़ जाण तां 999 बनते हैं, जो कि अज आपां इस वीडियो कवर करना है कि 3 अंकी संख्यावां कीड़ियां होंदियां। हुण 3 अंकी संख्यावां दी बच्चों जदों गल करदे आं, तां असीं पिछली जमात पढ़ चुके हैं कि जिहड़ियां 90, 99 तक दीआं संख्यावां ने उहनां ते असीं कार्ज कीता सी, उह सारी संख्यावां जिहड़ियां सी उह पढ़ियां सी। हुण आपां देखणा है कि असीं 99 दे विच अगर एक संख्या होर जोड़ दिंदे आं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਤੇ 2 ਜਦੋਂ 0, 0 ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਮਤਲਬ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ
संख्या जिहड़ी है वो बन जाती है। ठीक है बच्चे, क्योंकि आखिरी संख्या जिहड़ी है वो दो अंकों की 90-99 है, ये सारे बच्चे जानते हैं, पिछली जमात असी पढ़ चुके हैं। हुण बच्चो जे 100 वस्तुओं में एक होर वस्तु पा दईए तां फिर किन्ने हो जाणगे? आपां तां ये सीख लिया कि 90-99 दे विच असी एक जोड़ दिंदे आ तां 3 अंकां दी पहली संख्या सानूं प्राप्त हो जाती है जिहड़ी कि 100 हुंदी है, 100। लेकिन 100 दे विच असी एक होर जोड़ दईए तां फिर किन्ने हो गए, किन्नी गिणती होएगी फिर? ठीक है, जां मैं ये कहां कि मेरे कोल 99 रुपए हन, जे मैं 1 रुपया होर पावां तां हुण किन्ने हो गए? हुण बच्चे भी तुसीं भी ये गल कहो कि हाँ 100 होणगे जी, क्योंकि आपां पिछे दस चुके हाँ। तुहानूं याद होया कि तुसीं दूसरी जमात दे विच एक एक अंकां दे 10 नोटां बदले सी, 10 रुपए का एक नोट चुकया सी, जदों आपां करंसी नोटां दी मदद नाल दूसरी जमात दे विच असीं संख्यावां पढ़ियां सी, है ना, जोड़ करना घटाओ करना दो अंकों की संख्याओं का सीख्या सी, करंसी नोटों नाल गिणतारे नाल मान कार्डा नाल। ठीक है ना, तो हुण 10-10 के नोटों बदले 100 रुपए का एक नोट चुकोगे, क्योंकि 10 दहाइयां पूरियां हो जांदियां, क्योंकि 90-99 है, 90 मतलब 9 दहाइयां, तो 9 संख्यावां वक्खरियां, 9 अंक वक्खरे, 9 इकाइयां वक्खरियां, तो 90-99 सी, पर एक विच होर जोड़ देवांगे तो यह संख्या बन जाएगी साढ़े को 10 दहाइयां। सो 10 दहाइयां हो आप 10 दहाइया बदले, जिस तरह 10 नोटों बदले एक नोट दहाई का एक चुक लिया तो 10 बन जाते, इस तरह ही हूँ 10 दहाइया बदले 100 का नोट चुक के असी 100 का नोट चुक लवेंगे, कहने का भाव कि 100 10 दहाइया का बदल है। थले उदाहरण भी दी गई है, जिमें कि असी पिछली जमात पढ़िया सी कि 1-1 रुपए के 10 नोट हो 10 रुपए बन जाते हैं, वो जगह सिर्फ आप 10 रुपए का नोट ही चुक लें, वह भी 10 रुपए है, तो यह भी 10 रुपए ने, यह भी 10 रुपए ने, यह भी 10 रुपए ने, पर फर्क की है कि असी इकले इकले नोटों की बदले 1-10 का नोट चुक लिया, गिनती बराबर ही है। इस तरह ही बच्चे हूँ अगर असी 10-10 के 10 नोट जोड़े ने उन्हां बदले एक ही नोट चुकना होवे तां उह 100 दा होएगा, क्योंकि 100 दे विच 10 नोट शामिल हन, 10 दहाइयां बराबर 100, मतलब 10 दहाइयां हो जाण, जिवें 10 नोट होण 1-1 रुपए दे तां 1 दहाई मतलब 10 रुपए बन जांदे ने, इस तरह ही 10-10 दे असीं 10 नोट चुक लवांगे तां उह 1 दहाई बन जाएगी, 100 दा नोट बन जाएगा। ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ 100 ਇਕਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ 100 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 100 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 9 ਮੋਤੀ ਸੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 9 ਮੋਤੀ ਹੋਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 10 ਮੋਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 1 ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9 ਮੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 1 ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 10 ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੋਤੀ 9 ਮੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮੋਤੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ
बदली, यानी कि दहाई वाले स्थान पर 10 मोती होने सी, पर उसकी जगह पर असी एक ही मोती जोड़ा है 100 वाले स्थान पर पा देंगे, क्योंकि मैं हमने समझा के आया तुम्हें पिछे कि 10 दहाइया मतलब एक सैकड़ा। ठीक है बेटा, इस तरह ही बेटे मान कार्ड है। मान कार्ड की है? ये 100 का मान कार्ड है। ठीक है ना, एक सैकड़ा बराबर 100। ठीक है ना, अज असी 100 के नोटों गिणतारे नाल मान कार्ड की वरतों करते हुए 1000 तक जोड़ा है वो गिणते हाँ। मतलब 100 तुसीं देख लिया, 100 जोड़ा है उसनों मोती तो असी इस तरह पाया, नोट 100 का तुहाडे सामने है, मान कार्ड पर 100 इस तरह दिसदा है। मान कार्ड का भाव तुहानूं समझाया सी मैं दूसरी क्लास में भी कि मान कार्ड जोड़ा है मतलब गत्ते ते प्रिंट 100 की गिनती है, जिसनों के कार्ड के उपर दर्शाया गया है। इस तो अलावा सारे बच्चे देखेंगे थले हूँ 200 रुपए है, सॉरी 2 सैकड़े ने, 200 रुपए ने। ठीक है, सो 200 रुपए जोड़े ने वह अपना 100 वाले स्थान पर पावे, क्योंकि ये इकाई की सिलाई है, ये दहाई की, ये सैकड़े की। सो अपना सैकड़े के स्थान पर 2 मोती पाए तो बन गए 200, और 200 का मान कार्ड जोड़ा है वो इस तरह का होंदा है। इस तरह ही बच्चे अगे चलते चलते असी इस तरह ही 300 का, ठीक है, 300 का नोट, सॉरी 300 लिए 100 के नोट, इस तरह ही बच्चे सैकड़े वाले स्थान पर 3 मोती के 300 का मान कार्ड, इस तरह ही 400 4 नोट, 4 वाले सैकड़े वाले स्थान पर 4 मोती तो 400 का मान कार्ड, इस तरह ही बच्चे 500 लई 5 नोट 100 दे, और सैकड़े वाले स्थान पर 5 मोती और 500 का मान कार्ड, इस तरह ही 600 लई 100 दे 6 नोट, सैकड़े वाले स्थान पर 6 मोती और 600 का मान कार्ड, इस तरह ही 700 वाले स्थान पर 700 दे 7 नोट 100 दे, और सैकड़े वाले स्थान पर 7 मोती और 700 का मान कार्ड। इस तरह ही बेटे 800 लई असी की करेंगे 100 दे 8 नोट लवेंगे, और सैकड़े वाले स्थान पर 8 मोती पावेंगे, मान कार्ड 800 का लवेंगे 800 की संख्या लई। इस तरह ही 900 लई 9 नोट 100 दे, और सैकड़े के स्थान पर 9 मोती और 900 का मान कार्ड, और लास्ट पर जब अं देखेंगे कि साढ़े को हूँ की हो गया कि गिनती 100-100 के नोटों की गिन लेने कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुण जदों सानू पता है कि 10 नोट किसी भी चीज़ के हो जाए तो उसके बदले असी एक नोट चुकते हैं, है ना, 10 नोट हो जाए इकट्ठे तो उस नोट 10 नोटों बदले एक ही नोट चुकते हैं, जिमें 10 इकाइया सी, एक एक रुपए के 10 नोट सी, तो उस जगह असी एक नोट चुके से कि 10 रुपए का। इस तरह ही 10-10 के 10 नोट हो गए, वो बदले असी एक नोट चुके से 100 रुपए का। इस तरह ही हूँ वाली सिचुएशन जी थोड़े सामने है, ये असी की करना है, ये बच्चे 100-100 के 10 नोट ने, वो बदले असी 1000 का नोट जोड़ा है चुकना है। ठीक है, क्योंकि 1000 का नोट जोड़ा है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप संख्या कह सकते हैं कि आप 1000 का मान कार्ड जोड़ा है वो चुक सकते हैं। ठीक है, हूँ इसे लड़ीबद्ध समझाया गया है, बहुत ही सौखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना कि किया है। हम सूँ पता 1000 दे सूँ पता सी कि 1000 जोड़ा है वो 10 सैकड़े, आप हमने 10 नोट 100-100 दे गिण के आए हैं, और यह मतलब वो कि दहाइया हो गई, फिर 100 दहाइया हो गई, तो इकाइया कि हो गई, फिर 1000, क्योंकि गिनती टोटल 1000 है। ठीक है, हूँ बेटा असी नैक्सट वीडियो 101 तो लैके
1000 ਦਾ ਨੋਟ 1000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਅਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ 90-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ